ये हमारे जी यहाँ मजारों पे जाके, ये जब पहुंचते हैं मजार के पास तो वहाँ लोग सर घुमाने लगते हैं, मतलब औरतें जो होती हैं उनके ऊपर शैतान आया रहता है, कुछ ऐसा हिसाब रहता है। वहां पर मुजावर लोग बैठे रहते हैं, उन्हें कुछ कुरान की आयतें पढ़ते हैं, सूरह जिन की बताते हैं, सूरह बकरे के बताते हैं, कान में उंगली डालते हैं औरतों की, या कोई भी हो, औरतों के जी कान में उंगली डाल के उसके बाद कुछ कुरान की आयत पढ़ेंगे, फिर उस शैतान से बात करते हैं जो उसके अंदर घुसा रहता है, उससे बात करते हैं। तो इसकी कुछ हकीकत अच्छा, आप मुझे बताओ कि क्या आपको ये पता है कि बाज मंदिरों में भी सेम ऐसा होता है? है? जी, होता है मालूम। बाज ईसाइयों के हीलिंग सेशंस है, यूट्यूब पे वीडियोस पे पूरी उनकी भरी पड़ी है, जहां वो ऐसी चीजें उनके यहां भी होती है और हमारे यहां जी दरगाह पे भी होती है। और आप बताओ कि जो जिन है, मान लो कोई जिन परेशान कर रहा है, तो अच्छा जिन होगा बुरा जिन होगा? बुरा होगा। बुरा होगा। वो बुरा जिन हमसे क्या चाहता है, कि हमारा अकीदा अच्छा हो जाए या बिगड़ जाए? बिगड़ जाए। बिगड़ जाए। अब ये सोचो कि कोई इंसान अगर ऐसे मंदिर में गया, क्रिश्चियन के हीलिंग सेशन पे गया या दरगाह पर गया, और वहां जाकर वो बुरा जिन अपना असर थोड़ा कम कर ले या थोड़े दिन की छुट्टी दे दे, तो आदमी का अकीदा क्या बनेगा? बुरा दिन छुट्टी दे दो तो? मतलब जो बुरा जिन है, जो असर डाला है, किसी को परेशान कर रहा है, और वो शख्स जिसको परेशान वो कर रहा है, वो गया मंदिर में या हीलिंग सेशन में जी गया या तावीज पहलिया शिर किया, हाँ, या मान लीजिए कि दरगाह पर गया या कोई बिदत किया, और ये जो बुरा जिन है अपना असर कम कर लेगा, अपना असर कम कर ले या थोड़े दिन की छुट्टी दे दे उसको, थोड़े दिन जी तक उसको छुट्टी दे दे, हाँ, तो सामने वाला जो उसका अकीदा क्या बनेगा, बताओ, उसका यही अकीदा बनेगा कि बाबा हमें ठीक कर दिए, और क्या अकीदा बनेगा? है ना? अब ये यही बात तो को, होता है कुरान को हमारे यहाँ। समझने में, देखो दुनिया है, ये दुनिया में जी सही और गलत दोनों तजुर्बे होते हैं, अच्छे बुरे दोनों तजुर्बे होते हैं। कोई शख्स है, मांगा 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 बुत से मांगा और मिल गया, तजुर्बे से क्या पता चला कि मैं बुत से मांगा मिल गया। अब दुनिया है ना, ये यहां पे सिर्फ मतलब अच्छे लोगों के साथ नहीं है, आजमाइश की जगह है दुनिया। आजमाइश में ऐसे ही तो होता है ना, सही जवाब, एक सवाल पूछा है, चार जवाब दिए, उसमें से एक ही सही है और तीन जवाब गलत दिए, लेकिन है दिए हुए वहां पे जानबूझ के, तो ये दुनिया है। अब इसमें कुरान कभी गलत नहीं होगा अर्शद भाई, हदीस कभी जी गलत नहीं बिल्कुल होगी, अल्लाह का फरमान। तो आप जो अकीदा सीखो ना, ये दुनिया की जो चीजें आप देख रहे हो ना, इसे देखकर अकीदा मत बनाओ, आप अकीदा बनाओ कुरान और हदीस से बनाओ, क्या बोलते हो? अच्छा, जी, बेशक कुरान और हदीस से अपना मतलब अकीदा होना चाहिए। आपको पता है दज्जाल आएगा, तो दज्जाल जब आएगा तो वो क्या क्या करने वाला है, आपको पता है दज्जाल? जी जैद भाई, जितने लोग जी यानी स्थानों पे और मंदिरों पे जो वहां पर आप पता करेंगे जाकर के, तो वहां देगें होती हैं या कुछ पेटियां होती हैं, और वहां लिखा होता है कि जिसकी मनोकामना पूरी हो गई हो वो आकर के अपना नाम लिखवाता है, और बाकायदा फिर वो उसके नाम से देग चढ़ती है या कुछ भंडारा होता है या कुछ दान देता है। अब आप देखिए कि हर मंदिर में या हर स्थान पे जाएंगे आपको, तो महीने में आपको बीसियों ऐसे मिल जाएंगे जो आके ये कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो गई थी। तो मतलब ये जो फायदे बेस पे यानी अकीदा साबित करने का जो तरीका है कि हम गए थे और हमारा फायदा हो गया, और उसकी बुनियाद पे बात सही या गलत है, जैसा कि सैयद भाई समझा रहे थे, मैंने थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया, वो इंतहाई गलत है। और देखो अभी ये दज्जाल वाली हदीस, दज्जाल जाएगा, कुछ लोगों को दावत देगा कि मुझ पे ईमान लाओ, हाँ, और क्या क्या चीजें होगी, वो लोग उस पे ईमान ले आएंगे, वो आसमान को कहेगा, हाँ, फयामुर समा फयुम तिरुल अर्ध, तो आसमान को हुक्म देगा तो आसमान बारिश बरसाएगी, उससे अच्छी फसल निकलेगी, हाँ, उनके जानवर आएंगे तो उनके थन पूरे भरे हुए होंगे दूध से, और जो लोग उस पे ईमान नहीं लाएंगे उन पे क्या मुश्किल आएगी। अब ये सारी चीजें जो दज्जाल यहां तक आके एक मुर्दा शख्स को जिंदा भी करेगा, हाँ, तो ये सारी चीजें अगर कोई अगर देखकर ईमान ला रहा है, ऐसी चीजें जिसके लिए कुरान हदीस नहीं, ये देखी हुई चीजें भले कुरान हदीस के खिलाफ है, ये दलील है, तो दज्जाल पे भी वो ईमान ले आएगा फिर, तो है ना? तो सही बात क्या है कि हमारे लिए दलील ये नहीं है, हमारे लिए दलील क्या है, कुरान और हदीस है, कुरान बेशक हक है। कुरान हदीस कभी गलत नहीं होगी। और एक और मिसाल, आपको पता है कि बनी इसराइल ने ईमान, बनी इसराइल ने बुतों बुत परस्ती शुरू कर दी थी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, किसकी? गाय की। और हुआ क्या था उनके साथ, हुआ ये था कि उन्होंने गाय के, उन्होंने अपने जेवरात को ला करके आग में डाले, और जब डाले तो आग में से बछड़ा निकला, हाँ, ये देखिए हदीस कुरान की आयत है डायरेक्टली, फखरजा लहुम इजलन जसद लहू, एक आग में से एक ना गाय का बछड़े का जिस्म निकला, और लहू खुआर, उसमें से आवाज भी आ रही थी, आवाज भी आ रही थी, मुंह जैसी आवाज होती है ना,
तो तब सामिरी ने कहा हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, ये तुम्हारा माबूद है, गॉड है तुम्हारा और मूसा की भी माबूद ये है, फनसिया, मूसा भूल गए, तो वो लोगों ने इबादत करने लगे। तो अब यहां पे क्या है, ऐसे तजुर्बे जो होते हैं ना दुनिया में सही गलत दोनों होते हैं, हाँ, तो इसको कभी दलील नहीं बनाना, इम्तिहान तो इसी को कहते हैं ना, ठीक है।